सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जब हम प्रेरणा पोर्टल पर परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र भर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हमें आ रही हैं, जैसे कि परिवार में मुखिया के अतिरिक्त 14 वर्ष से ऊपर का कोई सदस्य नहीं है, तब उनका विवरण किस तरीके से भरना है। यदि परिवार में 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा नहीं है, राशन कार्ड में APL सेलेक्ट करना है या BPL, सही मकान संख्या किस तरीके से भरनी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और अन्य साथियों की मदद के लिए इसे शेयर भी कर दें। देखिए, ऑफलाइन प्रपत्र आपको किस तरीके से भरने हैं ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एंट्री करने के लिए सर्वे हेतु मुखिया जोड़े ऑप्शन पर चले जाएंगे। जो एंट्री आपने कर रखी है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले मजरा ग्राम सभा मोहल्ले का नाम टाइप करना है, उसके बाद आपको मुखिया की जानकारी देनी है। यहाँ पर राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब देखिए, परिवार के मुखिया का नाम आपको भरना है। यहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ तो मैंने टेस्ट डाल दिया है। एज आप भर देंगे, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, ये सारी आपको लिस्ट में से ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कुछ भी टाइप नहीं करना है। व्यवसाय आप सेलेक्ट कर लेंगे, परिवार की अनुमानित आय आप उनसे पूछ लेंगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद देखिए, घर का स्वामित्व में निजी मकान और किराए का मकान, तो निजी है। अब देखिए, BPL अथवा APL, अब यहाँ पर एक समस्या आ रही है। आप देखिए, राशन कार्ड की ऑफिशियल साइट पर देखेंगे तो यहाँ पर पात्र, गृहस्थी और अंत्योदय, ये दो प्रकार के राशन कार्ड हैं, यहाँ पर APL या BPL नहीं है। तब आप क्या करेंगे, देखिए जो पात्र गृहस्थी में हैं उन्हें APL में रखें और जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उन्हें BPL में रखें। यहाँ पर देखिए, 9 परिवार हैं तो हमने APL सेलेक्ट कर लिया। पूर्ण पता, अगर मकान संख्या आपको पता है तो वो भर दें, अदरवाइज आप यहाँ पर 00 भी भर सकते हैं। 00 भरकर आप गांव का नाम लिख दें, तो हमने देखिए गांव का नाम लिख दिया। अब परिवार में 14 वर्ष से ऊपर के जितने भी सदस्य हैं वो संख्या आप यहाँ पर भरेंगे, परिवार के सदस्यों की जानकारी में वो संख्या आप भर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक सदस्य हम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए उनका नाम, उनकी एज, जेंडर, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए, वैवाहिक स्थिति, तो ये अविवाहित हैं। शैक्षिक योग्यता आप इनकी भर देंगे, व्यवसाय आप भर देंगे और मुखिया से संबंध, तो मुखिया के ये पुत्र हैं तो हमने यहाँ पर पुत्र सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, जब ये अविवाहित हैं तो यहाँ पर बच्चों की जानकारी शून्य रहेगी। अब देखिए, अगर आप इस विवरण को हटाना चाह रहे हैं तो रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। अब परिवार में 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा नहीं है तो आप वहाँ पर 00 भर दें। देखिए, आप 00 करेंगे, ओके पर कर देंगे, यहाँ से आप अपना डाटा सेव कर लेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा। देखिए, हमने 00 कर दिया, आप फाइनल सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डाटा फाइनल सेव हो जाएगा। अब देखिए, कृपया सही नाम भरें, तो अब ये देखिए हमने नाम सही कर दिया, यहाँ पर रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। तो देखिए, परिवार में बच्चों की संख्या आप 0 दे सकते हैं, लेकिन अगर 14 वर्ष से ऊपर सदस्यों की संख्या आप 0 नहीं दे सकते। अगर विवरण में कोई त्रुटि है तो आप पूरा विवरण रिमूव करके उसको दोबारा से भरें, आप एडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए, ये अभी प्रॉब्लम है कि अगर परिवार में सदस्य 0 हैं तो आप यहाँ पर 0 डाटा नहीं दे सकते। तो अगर ऐसे परिवार आपको दिख रहे हैं जिनमें 0 सदस्य हैं तो अभी उनका विवरण आप न भरें, हो सकता है कि इस त्रुटि को ठीक कर दिया जाए आगे चल के। अभी लेकिन आप परिवार में सदस्यों की संख्या 0 नहीं भर सकते, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 20 तक कोई भी संख्या भरनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ से भी आप परिवार के सदस्य और बच्चे जोड़ सकते हैं। अब देखिए, बच्चों का विवरण आपको किस तरीके से भरना है। अब देखिए, बच्चों की जानकारी हम देखते हैं, सदस्य की जानकारी में आप 0 नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बच्चे की संख्या हम 1 मान लेते हैं, परिवार में बच्चों की संख्या 1 है, तो अब यहाँ पर देखिए आयु, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, मुखिया से संबंध, क्या किसी विद्यालय में नामांकित है। तो बच्चा अगर नामांकित है तो यहाँ से आपको यस और नो सेलेक्ट करना है, नामांकित है तो यस सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, परिवार से मुखिया में पोता पोती हैं तो यहाँ पर ये पोता है। अब यहाँ पर देखिए, विद्यालय में नामांकित है, हाँ नामांकित है, हाँ अगर है तो उसकी क्लास सेलेक्ट करनी है, तो बच्चा क्लास 2 में नामांकित है। विद्यालय का प्रकार सरकारी विद्यालय है, तो यहाँ पर आपको विद्यालय का यूडाइस कोड टाइप कर देना है। जब आप यूडाइस कोड टाइप कर देंगे तो विद्यालय का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब देखिए, आप यहां से फाइनल सबमिट कर देंगे तो ये परिवार का डाटा यहां पर सेव हो जाएगा।
यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि आप सदस्य की संख्या जीरो नहीं दे सकते हैं, तो अभी आप ऐसे परिवारों का विवरण न भरें जिनमें सदस्यों की संख्या जीरो है। हो सकता है कि इस त्रुटि को ठीक कर लिया। स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको सभी बच्चों के आधार को वैलिडेट करना है, तो ये प्रक्रिया आप किस तरीके से करेंगे इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों की मदद के लिए इसे शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के